हाँ जी बाबा, जो जो सोशल मीडिया पे खबर फैली हुई है कि जो आपको जितना पैसा मिला था लोगों ने, जितनी आपकी मदद करी थी, जो आपके लिए फंड रेज किया था लोगों ने, वो आपके पास ख़त्म हो गया और आपकी हालत थोड़ी दोबारा ख़राब हो गई है, तो आप लोगों को सच्चाई बताना चाहेंगे जिन लोगों ने आपकी मदद करी? हाँ जी बड़ा बड़ी खुशी बात हमारे पास पता क्या है, जो जनता ने हमारी मदद की थी आज हम उसी मदद से यहाँ पर खड़े हैं, अब समझे? हाँ जी बेटा, हमने जनता की मदद से बड़ा मकान बनवा लिया, बड़ा जनता की मदद से हम दुकान चला रहे हैं ये वाली, अब हमारी हालत खराब नहीं है, जो जनता ने पैसे दिया हम उससे सामान रखे हैं अपने लिए, और आज किसी कोई साथ नहीं देगा तो वही पैसे हमारे साथ आएगा, हैं तो इसलिए हम सामान रखे। हाँ जी बाबा, और बाबा जब आपको इतने लोगों की मदद मिली थी तब आपने एक नया रेस्टोरेंट खोला था, तो वो आपने शायद बंद कर दिया, तो उसका कोई कारण बता सकते हैं आपने बंद क्यों करा है? मेरा कारण पता क्या था, मेरा कारण था कि खर्चा था 1,00,000 रुपए का, ये बताओ 35,000 रुपए रेंट है दुकान का, जो कारीगर है 36,000 रुपए का, 600 रोज का, ये खेल पर है 1,200 रुपये रोज का, एक दाई है कि झाड़ू मार के 10,000 रोज का बनता है, बनता है तो बड़ा खर्चा था 1,50,000 रुपये का एक महीने का, एक महीने का। हाँ जी, पानी की बिल है अलग, बिजली बिल अलग। हाँ जी, तो आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा था? आज जो दुकानदारी है 1,000 का 1,500 रुपये का, 700-800 रुपये का, तो बोलो बोलो हम क्या करेंगे, जब महीने में हम मिलेगा 30,000 रुपये, तो बोलो हम क्या करेंगे। अच्छा बाबा, तो अब आप कैसे, लाइक आपके बाबा के या आपके ढाबे पे कोई असर पड़ रहा है लॉकडाउन का या फिर कोरोना का, तो अब सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अरे हमारे सब कुछ ठीक है, हमारी जनता हमारे साथ दे रही है, पूरे यहाँ कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों जो आते हैं बस देखते हैं बाबा की यहाँ खाना खाते हैं, सब मास्क लगाते हैं, पूरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबा, बहुत बढ़िया। हाँ।